मजरू सुल्तानपुरी एक क्रांतिकारी गीतकार और एक सच्चे देशभक्त, जिन्होंने विदेश में भी भारत को झुकने नहीं दिया। वहां पर उन्होंने पाकिस्तान के एक शायर को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसी क्रांतिकारी गीतकार को नेहरू सरकार ने 2 सालों तक जेल में रखा। क्या है ये पूरा किस्सा, आज इसी बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट दीपक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड विद दीपक। मजरू सुल्तानपुरी एक उर्दू शायर, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और आंदोलनकारी थे। उनका नाम 20वीं सदी के तरक्की पसंद शायरों में गिना जाता है। मजरू सुल्तानपुरी का पूरा नाम असरार उल हसन खान था। उनका जन्म राजपूत मुस्लिम फैमिली में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने तमाम हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं जो आज भी लोगों के जहन में तरोताजा हैं। 1964 में फिल्म दोस्ती के गीत चाहूंगा मैं तुझे सांस सवेरे के लिए मजरू सुल्तानपुरी को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा वो पहले ऐसे गीतकार थे जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। मजरू सुल्तानपुरी महान शायर ही नहीं पक्के देशभक्त भी थे। उन्होंने विदेशों में भी भारत को झुकने नहीं दिया। उनके जीवन का एक किस्सा भारत के प्रति उनके प्यार और देशभक्ति को दर्शाता है। एक बार विदेश में मुशायरे के दौरान पाकिस्तानी शायर फैज़ अहमद फैज़ ने भारत की गरीबी का मजाक उड़ाया था। इस पर सुल्तानपुरी ने ना सिर्फ फैज़ को मुशायरे के मंच से ही मुँह तोड़ जवाब दिया बल्कि भारत की गरिमा को भी कायम रखा। दरअसल कैनेडा के एक मशहूर मुशायरे में मजरू सुल्तानपुरी, फैज़ अहमद फैज़ समेत दुनिया के कई बड़े शायर शरीक हुए थे। फैज़ ने कुछ तकरीर की जिसमें दुनिया के देशों के हालात का जिक्र करते हुए भारत पर भी कुछ तीखी टिप्पणी की। ये बात मजरू सुल्तानपुरी साहब को दिल में चुभ गई। जब मजरू अपना कलाम पेश करने के लिए माइक पर गए तो फैज की उस हल्की टिप्पणी का करारा जवाब दिया। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने कहा, अभी जिस भारत के हालात पर फैज साहब प्रकाश डाल रहे थे, मैं उसी भारत का रहने वाला हूँ और मैं अपने भारत देश के बारे में फख्र के साथ कहता हूँ कि ये चश्मा जो मेरी आंख पर है भारत का बना हुआ है। मेरे जिस्म में शेरवानी, कुर्ता और पायजामे का कपड़ा भारत में ही बना है। मेरा ये कलम, ये जूता, ये मेरा मोजा, ये सब भारत का ही बना हुआ है। मजरू साहब ने भारत की तो तारीफ की ही, साथ में पाकिस्तानी शायर को भी सबक सिखाया। उन्होंने आगे कहा, फहद साहब के पाकिस्तान का आलम ये है कि उनकी पैंट की शर्ट का कपड़ा जर्मन का है तो चश्मा इंग्लैंड का, कलम अमेरिका की है तो जूता जापान का। अगर सारे देश अपनी अपनी चीज़ें वापस ले लें तो फैज साहब की क्या हालत होगी, आप हजरात महसूस कर सकते हैं। ये बात सुनकर फैज साहब थोड़ा मुस्कुराए और नज़रें नीचे झुका लीं। फैज साहब समझ चुके थे कि उन्हें बड़ी इज्जत के साथ बेइज्जत किया जा चुका है। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने हमेशा हक की बात की, चाहे वो अपने हक के लिए हो चाहे दूसरों के हक के लिए लड़ना पड़े। ऐसा ही एक वाक्या है जब आज़ादी के बाद यानी कि 1949 में उन्होंने एक मजदूरों की हड़ताल चल रही थी बॉम्बे में, वहां पे जाके एक ऐसी कविता पढ़ी जिसको सुनने के बाद उस समय की नेहरू सरकार सकते में आ गई, आग बबूला हो उठी और उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से मना कर दिया। मजरू सुल्तानपुरी ने कहा कि उन्होंने जो भी कविता पढ़ी है वो मजदूरों के हक के लिए था और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके लिए वो माफ़ी मांगे। तत्कालीन गवर्नर मोरारजी देसाई ने उनके माफ़ी ना मांगने के कारण उनको 2 साल तक मुंबई के आर्थर जेल में बंद रखा।
मजरूह सुल्तानपुरी एक सच्चे देशभक्त, क्रांतिकारी विचारों और हक के लिए लड़ने वाले इंसान थे। दूसरों के हक के लिए भी डटे रहे और कभी झुके नहीं। मजरूह साहब ने हिंदी सिनेमा को सैकड़ों सदाबहार गीत दिए जो टाइमलेस क्लासिक बन चुके हैं। ऐसे गीतकार को मेरी तरफ से एक नमन तो जरूर बनता है। दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे। और हाँ, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मैं जो भी नए वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगी। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।